हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्टिक मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें ताकि न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा इसका एक ओवरव्यू या बेस लेंगे, फिर हम डायग्राम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से जो आयन के आप कह सकते हो कि चार्ज का डिफरेंस वहाँ पे क्रिएट होता है, तो जिससे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिखा है कि इंट्रा सेलुलर फ्लूड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, रफ लैंग्वेज में आप कह सकते हो यहाँ का जनरल आइडिया पे हम ये कहते हैं कि जो सेल के अंदर जो फ्लूड होता है वो भी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो सेल के बाहर फ्लूड प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड कहते हैं वो भी इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर सेल के अंदर का फ्लूड, अगर सेल के बाहर का फ्लूड अगर न्यूट्रल है तो वहाँ पे किसी भी तरह का कोई चार्ज डिफरेंस होना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर भी वहाँ पे क्या होता है, चार्ज में डिफरेंस देखने को मिलता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि जो हम न्यूट्रल कह रहे हैं एक्चुअल में ये पूरी तरह से न्यूट्रल नहीं होता। वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आप कह सकते हो आयंस होने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो आप कह सकते हो कि डिफरेंस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के आप कह सकते हो इनर और आउटर साइड वो डेवलप हो जाता है। ठीक है, और यही हम कह रहे हैं कि इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड न्यूट्रल होने के बावजूद भी फिर भी वहाँ पे डिफरेंस हमें चार्ज में देखने को मिलता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स अक्रॉस इट। ठीक है, जैसे आप यहाँ इस डायग्राम पे देख सकते हो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इस पे आप ये जो पतली सी लाइन नज़र आ रही है आपको, ये है इनकी कौन सी आप कह सकते हो कि बाउंड्री है, और इसके इनर वाली साइड आप देख सकते हो ये नेगेटिव चार्ज और बाहर वाली साइड आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। ठीक है, और यही हमने लिखा है इन साइड ऑफ द सेल इज नेगेटिव कंपेयर्ड विद द आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड क्या होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि अगर इनके दोनों के पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये एक्ट क्या करती है एज ए पोलराइज्ड, क्योंकि इनके पास ओपोजिट चार्ज अक्रॉस द मेम्ब्रेन के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन फिर कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ए पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस आ रहा है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, इस डिफरेंस को हम कहते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एंड व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन एन अनस्टिमुलेटेड आर रेस्टिंग सेल, जब सेल किसी भी तरह का कोई एक्टिवेट ना हो, बिल्कुल रेस्टिंग कंडीशन पे हो, तो उस टाइम जो उसके पास अपना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम कहते हैं क्या, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कि जब रेस्टिंग कंडीशन पे हो, किसी तरह के उसको स्टिमुलस ना मिले, वो अनस्टिमुलेटेड फॉर्म पे हो, तब जो उसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और ये आप कह सकते हो कि सेल टू सेल भी क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, जैसे जो न्यूरॉन सेल है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, एम वी स्टैंड्स फॉर मिलीवोल्ट, क्योंकि हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मिलीवोल्ट में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और जो स्केलेटल मसल फाइबर है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, -90 मिलीवोल्ट। ठीक है, एक तो हम मिलीवोल्ट में रेस्टिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं, और सेकेंडली हम इसको नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, अब क्या रहा है, द ग्रेटर द चार्ज डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ग्रेटर द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जितना जैसे हम कह रहे हैं -70 या -90, ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि जितना वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आप कह सकते हो उसका जो चार्ज डिफरेंस भी अक्रॉस द मेम्ब्रेन क्या होगा, उतना ही वो ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर जो हम कह रहे हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, ये
किन फैक्टर से वहाँ पे डेवलप हो रहा है। ठीक है, एक तरफ से हम कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटर सेलुलर फ्लूड वो न्यूट्रल है, फिर दूसरी तरफ से हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वो पूरी तरह से भी न्यूट्रल नहीं है, वहाँ पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस होने के कारण वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या अक्रॉस द मेम्ब्रेन डेवलप हो रहा है। तो कौन से ऐसे तीन फैक्टर्स हैं जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कि आप कह सकते हो वहाँ पे फॉर्मेशन या क्रिएशन करने पे उसकी हेल्प करते हैं या जिनकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। फर्स्ट ये द कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम इन साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हायर। ठीक है, जो सेल के अंदर जो उसका कंटेंट जो फ्लूड होगा उनके पास पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड। ठीक है, जब कह सकते हो इंट्रा सेलुलर फ्लूड पे पोटाशियम आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड पे जो आयन की पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। दूसरे सेंस में आप कह सकते हो सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा होंगे और सेल के बाहर पोटाशियम क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, उसी का ऑपोजिट होगा सोडियम आयन का। सोडियम आयन सेल के बाहर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे और सेल के अंदर क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तीसरा क्या होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल टू पोटाशियम देन टू द सोडियम आयन्स। ठीक है, अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उससे जो पोटाशियम आयन है वो ज़्यादा इजी ढंग से क्रॉस कर जाएंगे फ्रॉम इनर टू आउटर साइड, क्योंकि इनर साइड पे पोटाशियम ज़्यादा है इसलिए वो इनर साइड से बड़े इजी ढंग से विदाउट आप कह सकते हो कि विदाउट दी कंजप्शन ऑफ एनी एनर्जी वो इजीली ढंग से पास कर जाएंगे किसको, मेम्ब्रेन को, फ्रॉम इनर साइड टू दी आउटर साइड, किसके कंपैरिजन में, सोडियम के कंपैरिजन में। ठीक है, हालांकि सोडियम की भी बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, बट फिर भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होगी किसके लिए, पोटाशियम आयन के। ये भी हम आगे डायग्राम पे डिस्कस करेंगे कि क्यों ज़्यादा पोटाशियम के लिए परमिएबल होगी, सोडियम के लिए नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने कहा कि जैसे पोटाशियम आयन डिफ्यूज होंगे आउट ऑफ द सेल, मतलब कि इनर साइड से टुवर्ड्स द आउटर साइड, तो लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज मेक्स द इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोर नेगेटिव। इसलिए अब देखा कि जब इनर वाली साइड से जो पॉजिटिव पोटाशियम आयन है जब वो बाहर की तरफ ज़्यादा तेजी से चलेंगे तो अंदर वाला पॉजिटिव चार्ज या अंदर पॉजिटिव आयन की कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इसलिए अंदर की साइड ज़्यादा नेगेटिविटी या नेगेटिव चार्ज डिवेलप होना शुरू हो जाएगा और बाहर की तरफ जब ज़्यादा पोटाशियम आयन पॉजिटिव वाले होंगे तो बाहर पॉजिटिव आयन या पॉजिटिव चार्ज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे भी हम देख सकते हैं कि अंदर की तरफ क्यों नेगेटिव और बाहर की तरफ क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि अंदर से पॉजिटिव आयन बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर का पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है इसलिए वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और बाहर पोटाशियम या पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है इसलिए बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डेवलप होगा। ठीक है, देन सोडियम और पोटाशियम के अलावा भी और बहुत सारे आयन्स हैं जो आप कह सकते हो कि वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर प्रेजेंट होंगे, बट क्या वो भी असर करेंगे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे, वो हम डिस्कस करते हैं कि अदर आयन्स सच एज सोडियम क्लोरीन एंड कैल्शियम हैव ए माइनर इन्फ्लुएंस। जो हमने हालांकि हमने ये कहा कि जो पोटाशियम है वो ज़्यादा परमीएबल है इसलिए वो ज़्यादा आप कह सकते हो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे रोल प्ले करेगा, बट जो सोडियम क्लोरीन और कैल्शियम है ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करते रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन पे या किसी भी जो सेल की मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, बट मेजर इन्फ्लुएंस इज फ्रॉम पोटाशियम। अब ऐसा क्यों है ये जब हम डायग्राम लेवल तक पहुँचेंगे वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमें कहना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली परमीएबल टू क्लोरीन। जिस तरह से हम कह रहे थे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पोटाशियम के लिए परमीएबल है, सेम उसी तरह से वो क्लोरीन जो नेगेटिव आयन है इसके लिए भी परमीएबल है, बट फिर भी क्या हो रहा है कि दीज नेगेटिवली चार्ज आयन्स आर रिपेल्ड बाय द नेगेटिव चार्ज इनसाइड द सेल। हालांकि ये क्लोरीन आयन के परमिएबल होने के बावजूद भी जो क्लोरीन आयन है वो ज़्यादा आउटर साइड से इनर वाली साइड इंटर नहीं कर पाते, क्योंकि इनर वाली साइड पे ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज या कह सकते हो तो नेगेटिव प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, वो इस नेगेटिव को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे ज़्यादा क्लोरीन बाहर से सेल के अंदर इंटर नहीं हो पाते। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो क्लोरीन है वो भी इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए। ठीक है, देन
उनके अलावा अब एक और चीज़ पंप, ठीक है, जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये भी क्या करता है वहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के दौरान सोडियम और पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन को ये भी थोड़ी क्या करता है फ्लक्चुएट करवाता है, ठीक है। इस पर हमने लिखा है कि सोडियम पोटाशियम पंप मेंटेन दी नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर द सोडियम एंड पोटाशियम अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है तो ये जो आपको नज़र आ रहे हैं स्ट्रक्चर, ये कौन से, इसके सोडियम पोटाशियम पंप के, जो क्या करते हैं कि सोडियम और पोटाशियम के आयन को इन एंड आउट की तरफ वो क्या करते हैं मूव करवाते हैं, ठीक है। अब क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। इस पर हम लिखा है द पंप इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जिस तरह से हम कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वो होता है पोटाशियम आयन, देन उसके बाद जो सोडियम है, क्लोरीन है, ये कैल्शियम है, वो माइनर रोल प्ले करते हैं। सेम इसी तरह से जो सेल मेम्ब्रेन पे सोडियम पोटाशियम पंप प्रेजेंट है वो भी माइनर लेवल पे या स्मॉल पोर्शन पे ही इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आप कह सकते हो अपना रोल प्ले करता है। हम जो स्मॉल पोर्शन पे कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं कि इट ट्रांसपोर्ट अप्रोक्सीमेटली 3 सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड 2 पोटाशियम इन टू द सेल, बट जो जब ये 3 सोडियम को सेल से अंदर से मतलब इनर साइड से आउटसाइड की तरफ पंप करेगा, देन उसके बाद जो पोटाशियम है उसको बाहर से इनर वाली साइड के अंदर क्या करेगा पंप करेगा। तो अब ये पंप करने के लिए या इन आयन की मूवमेंट के लिए इसको एक एटीपी मॉलिक्यूल की क्या होगी ज़रूरत होगी। जब वो एक एटीपी मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करेगा तभी ये इनर वाली साइड से 3 सोडियम आयन को बाहर की तरफ और बाहर से 2 पोटाशियम को इनर साइड की तरफ क्या कर पाएगा मूव या ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये एनर्जी को क्यों यूज़ करें, क्योंकि ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन आप कह सकते हो काम कर रहा है, क्योंकि हमने पहले कहा कि बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है और अंदर की साइड सोडियम की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जब ये लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इन आयन्स को सोडियम आयन को पंप करेगा तो इसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरह से हम कह रहे हैं कि इनर साइड पे पोटाशियम की आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बाहर की तरफ पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन कम है, इसलिए जब लोअर से वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसको मूव करेगा तब भी उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जब ये एक एटीपी को यूटिलाइज करता है सोडियम पोटाशियम पंप तो 3 सोडियम को इनर साइड टू आउटर साइड ट्रांसपोर्ट करेगा और 2 पोटाशियम आयन को फ्रॉम आउटर साइड से इनर साइड की तरफ क्या करेगा ये ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये जो इनकी मूवमेंट है ये भी आप कह सकते हो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे थोड़ा रोल प्ले करेंगी, क्योंकि ये भी पोटाशियम और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन को फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। अब इस पंप के दौरान भी क्या होगा कि आउटसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकम्स मोर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ से हम ज़्यादा सोडियम आयन को भी बाहर की तरफ पंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ से जो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है ये भी परमीएबल टू पोटाशियम आयन है, तो बाहर की तरफ जो ज़्यादा होंगे पॉजिटिव आयन डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए बाहर वाली साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। बिकॉज मोर पॉजिटिवली चार्ज आयन्स आर पम्प्ड आउट ऑफ द सेल देन आर पम्प्ड इनटू इट, ठीक है। इसलिए हम बाहर की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं और अंदर की तरफ कम पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, इसलिए इनर वाली साइड होती है इनकी नेगेटिवली चार्ज्ड और बाहर होती है इसकी पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि जो हम चीज़ यहाँ पे डिस्कस अभी हमने थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया जब समझा, अब हम डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पहले हमने बोला कि जो भी रेस्टिंग सेल होगा, मतलब अगर ये एक सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन पे ये डिफरेंट तरह के इनके क्या हैं चैनल से प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं इन ए रेस्टिंग सेल, जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पे होगा देर इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम, ठीक है। जो अभी ये पर्पल देख रहे सर्कल ये सारे क्या हैं इसके पोटाशियम आयन है इन साइड द सेल मेम्ब्रेन एंड ए हायर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, जिसको पिंक सर्कल कह रहे हैं वो देखो सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा है, और यही हमने थ्योरी पार्ट पार्ट पे भी डिस्कस किया कि जो पोटाशियम आयन है वो सेल के अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं बाहर की तरफ
कम होते हैं और जो सोडियम आयन है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं और सेल के अंदर की तरफ क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि पर्पल जो पोटाशियम आयन है वो सेल के अंदर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटर साइड, और जो पिंक सर्कल जिसको हम सोडियम रिप्रेजेंट करें वो आउटर साइड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इनर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं बिकॉज द मेम्ब्रेन इज नॉट परमिएबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, दे आर आइसोलेटेड इन साइड द सेल मेम्ब्रेन। अब जो आपको ये ग्रीन कलर नज़र आ रहे हैं ये होते हैं इसके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, जो अंदर के पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ अट्रैक्ट करके रखती हैं। अब ये सेल से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए आइसोलेटेड रहते हैं इन साइड द सेल, इन साइड द सेल। ठीक है, और ये एरो रिप्रेजेंट करें कि हायर कंसनट्रेशन से टूवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन, जो पोटाशियम है बाहर की तरफ जा रहा है और सोडियम हायर कंसनट्रेशन फ्रॉम आउटर टू द इनर साइड की तरफ क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब सेकेंड डाइग्राम, हाँ आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो पोटाशियम की जो चैनल्स हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द, आप कह सकते हो सोडियम चैनल, जिनके पास एक ही क्या है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम इस डायग्राम पे देखेंगे कि किस तरह से जो हैं जो अब आयंस हैं वो, तो हम इस सेकंड डायग्राम पे ये देख रहे हैं कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इन पे जो पोटाशियम लीक चैनल हैं वो ज़्यादा आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे नज़र आ रही हैं इस सेल मेम्ब्रेन पे, और एक ही आपको क्या नज़र आ रही है, सोडियम चैनल। इसलिए हमने कहा कि जो रेस्टिंग सेल पे क्या होती हैं कि जो पोटाशियम आयन है वो ज़्यादा परमीएबल होते हैं इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, क्योंकि उनकी जो चैनल्स का नंबर है वो इन पे काफ़ी क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि देर आर मोर पोटाशियम लीक चैनल्स देन सोडियम लीक चैनल। लीक चैनल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पे है, जो सेल मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में, जैसे सेल रेस्टिंग कंडीशन में, तब भी जो इन चैनल से क्या होता है, लगातार जो पोटाशियम आयन होते हैं वो बाहर की तरफ लीक होते रहते हैं और इस पर किसी तरह की कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इन द रेस्टिंग सेल ओनली द लीक चैनल्स आर ओपन, और जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पे होता है ये लीक चैनल्स ओपन होती हैं, बाकी जो गेटेड चैनल्स होते हैं वो एकदम क्या होती हैं, क्लोज होते हैं, क्योंकि उनको ओपन होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द आयन कंसनट्रेशन डिफरेंसेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन पोटाशियम डिफ्यूजेस आउट ऑफ द सेल। ठीक है, अगर ये चैनल्स ओपन हैं तो आपको पता है कि अंदर की तरफ पोटाशियम आयन ज़्यादा है, इसलिए वो यहाँ से क्या करते रहते हैं, अगेंस्ट द कंसनट्रेशन लोअर से हायर से लोअर की तरफ क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं और रैंडमली इन एंड आउट वो क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सेम इसी तरह से जो सोडियम है वो भी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते, मतलब ये रैंडम मूवमेंट होती है, इस पर किसी तरह का कोई इतना ज़्यादा चेक या रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, देन अगर हम नेक्स्ट देखें, अब जो पंप की हम बात कर रहे थे उस पर ये कह रहे हैं, अब तीसरा देखो ये आगे इनके पोटाशियम के लीक चैनल, सोडियम के लीक चैनल, और तीसरा पार्ट हमने जो उसका तीसरा फैक्टर डिस्कस किया था वो हमने कहा था कि सोडियम पोटाशियम पंप भी क्या करता है, इनको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे कुछ रोल प्ले करता है। ठीक है, और इस पर आप देख सकते हो कि जो ये पिंक वाले जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था सोडियम आयन, वो यहाँ पे तीन अटैच होके तीन सोडियम बाहर की तरफ जा रहे हैं और बाहर से जो दो पोटाशियम है वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, और इस दोनों की मूवमेंट के लिए हम एक एटीपी को क्या करें, यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी कब एक्टिव हो रहा है, जब आपका कौन सा प्रोसेस चल रहा है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का, या आप कह सकते हो जब सेल कौन सी कंडीशन पे है, रेस्टिंग कंडीशन पे। ठीक है, और ये कह रहा है कि सोडियम पोटाशियम पंप हेल्प्स मेंटेन डिफरेंशियल लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम बाय पंपिंग थ्री सोडियम आउट ऑफ द सेल, और उसके बदले में वो क्या करेगा, दो पोटाशियम को सेल के अंदर क्या करेगा, पंप करेगा। ठीक है, और इस पंप को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, एटीपी की। ठीक है, द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एस्टैब्लिश्ड व्हेन द मूवमेंट ऑफ द पोटाशियम आउट ऑफ द सेल इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ पोटाशियम इन टू द सेल। ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि बाहर की तरफ क्या जा रहा है, पोटाशियम जा रहा है और सोडियम अंदर की तरफ आ रहा है, बट फिर भी हमने कहा कि सबसे ज़्यादा मेजर रोल कौन प्ले कर रहा है, पोटाशियम, तो पोटाशियम पे ये होता है कि जितना पोटाशियम बाहर की तरफ जा रहा है हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उतना ही पोटाशियम इनर की तरफ भी इंटर कर रहा है, तभी जाके वहाँ पर उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिस पे हमने देखा कि जब सेल रेस्टिंग कंडीशन पे होता है तो उसके इनर वाली साइड ज़्यादा नेगेटिव होती है और बाहर वाली साइड ज़्यादा पॉजिटिव होती है। इनर वाली साइड पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के बाहर, आउटर साइड पे सोडियम आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे जो पोटाशियम आयन है वो ज़्यादा परमीएबल होते हैं, देन उसके बाद जो अदर आयन्स हैं वो होते हैं ज़्यादा परमीएबल नहीं होते। पोटाशियम आयन, लीस्ट क्लोरीन आयन और सोडियम पोटाशियम पम्प, ये तीनों तरह के होते हैं कि जो वहाँ पे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करके रखते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया हो अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।